मिल सकती है छूट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार में अनलॉक 4 में अभी विशेष छूट नहीं मिलेगी। कोरोना की स्थिति पर सरकार चर्चा कर रही है और 6 जुलाई को अनलॉक 3 की समय सीमा खत्म हो रही है। ऐसे में मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण सीएम को स्थिति से अवगत कराएंगे और फिलहाल मॉल और स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसको लेकर आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। मुख्य सचिव के साथ जानकारी पर चर्चा हुई है और उसके बाद ये बातें सामने आ रही है कि अनलॉक 4 में विशेष छूट नहीं मिलने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में अनलॉक 4 में विशेष छूट नहीं मिलेगी, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। तो कोरोना की स्थिति पर सरकार लगातार चर्चा कर रही है और ऐसी स्थिति में लगातार जो फीडबैक है वो लिए जा रहे हैं और ऐसे में मुख्य सचिव इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे कि लगातार जिस तरीके से बैठक हो रही है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ, तो फैसला लेने पर विचार किया जा रहा है और क्या कुछ रियायतें दी जाएंगी इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि अनलॉक जो 3 है वो 6 तारीख को खत्म हो रही है और 4 को ये अनलॉक 4 शुरू होने वाली है, 7 तारीख को, माफ कीजिएगा। क्या लगता है सरकार की तरफ से इस बार भारी छूट देने की बातें सामने नहीं आ रही है? बिल्कुल पूजा, देखिए कि अभी कोरोना की स्थिति थोड़ी सामान्य जरूर हुई है और सामान्य होने के साथ साथ स्थिर है, मतलब 100 के आसपास मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में सरकार कुछ विशेष छूट देने जा रही है ऐसी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। देखिए, दरअसल विशेष छूट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विशेष छूट में स्कूल और कॉलेज खोलने की बात सामने आती है और मॉल्स या फिर तमाम जो दूसरे जो स्थितियां जो बंद पड़े हैं उनको खोलने की बात आती है। तो ऐसी स्थिति फिलहाल उत्पन्न होती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे वो सिनेमा घरों की बात कर लें या इस तरीके से जहां सार्वजनिक कार्यक्रमों की बात कर लें या फिर बड़े बड़े इस तरीके से जो कार्यक्रम होते हैं उसकी बात कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है फिलहाल। हाँ, जो छूट मिली है उसे बरकरार रखा जाएगा, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मतलब अगस्त में या जुलाई के लास्ट तक जो शैक्षणिक संस्थान है उनको धीरे धीरे खोलने की बात की जा रही है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो समीक्षा बैठक की जा रही है उसमें सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, कल भी जो मुख्य सचिव है त्रिपुरारी शरण, उन्होंने तमाम जिलों के अधिकारियों और एससी के साथ बैठक की है, समीक्षा बैठक वर्चुअल हुई है और इस बैठक में उन्होंने जिले की स्थितियों को जाना है और इसके बाद अब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक तमाम स्थितियों को लेकर जो रिपोर्ट बनाएंगे वो लेकर उनके पास जाएंगे और उन्हें स्थितियों से अवगत कराएंगे और उसके बाद फिर अनलॉक की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे चीजों को छूट दिया जाएगा या कहां पर छूट नहीं दी जाएगी इसको लेकर सीएम के साथ बातचीत होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल बहुत ज्यादा छूट की उम्मीद नहीं है, विशेष छूट की उम्मीद नहीं है, जो छूट मिल रही है इसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी अविनाश, शिक्षा मंत्री की बात कर ले तो उन्होंने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि अनलॉक 4 में हो सकता है कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो खोले जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। नहीं, उम्मीद देखिए इसलिए भी उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि अचानक से तो शैक्षणिक संस्थान खोल नहीं दिए जाएंगे और अचानक से स्थितियां बदल नहीं जाएंगी, धीरे धीरे हो सकता है कि अभी स्थिति परिस्थिति सरकार देख रही है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात कर लीजिए तो 136 नए मरीज जो है वो बिहार में मिले हैं और ये अगर देखिए तो आप लगभग 31 जिलों से मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है, तो कुछ ही ऐसे जिले हैं जहां से मरीज नहीं मिल रहे हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां से एक मरीज या दो मरीज या 10 से कम मरीज मिले हैं। 10 से ऊपर मरीज के मिलने का जो है वो सिर्फ पटना और पूर्णिया दो ऐसे जिले हैं जहां से 10 से ऊपर मरीज मिला है। लेकिन देखिए, स्थिति ये है कि थर्ड वेरिएंट की जो बात कही जा रही है उस वेरिएंट को लेकर सरकार थोड़ी सी चिंतित है। उस वेरिएंट को लेकर सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है कि अगर ये तीसरा वेरिएंट यानी कि तीसरी लहर आती है तो इससे कैसे निपटा जाएगा और कैसे स्थितियों को कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए सरकार बहुत विशेष छूट देकर किसी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए जो छूट है
उसे और आगे 7 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद ये कीजिए कि जुलाई के अंतिम जो जब महीना ये लास्ट होगा तब हो सकता है कि शैक्षणिक संस्थानों को धीरे धीरे करके खोला जाए। उसमें भी कई तरीके के प्रोटोकॉल्स लगाए जाएंगे, जैसे कितने शिक्षक हो सकते हैं, कितने छात्र उपस्थित हो सकते हैं, कैसे कैसे होगा, प्रोटोकॉल क्या होगा, उसके लिए भी अलग तरीके से प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है। और जो प्रोटोकॉल पहले हैं वो तो फॉलो करने ही करने हैं। तो स्थिति ये है कि फिलहाल कोई विशेष छूट की उम्मीद अनलॉक 4 के लिए नहीं की जा रही है। पूजा, बिल्कुल, तो जो खास बात है वो सामने निकल कर ये आ रही है कि अनलॉक 4 में कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।